दोस्तों सर्दियां स्टार्ट ही होने वाली हैं, तो अक्टूबर में आप कौन कौन से फ्लावरिंग सीड ग्रो कर सकते हैं उसी पर ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। साथ ही साथ मैं ये भी जानकारी दूंगी कि किन साइट से आप, ऑनलाइन साइट से आप ये बीज मंगा सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये कुछ पैकेट्स मैंने निकाल रखे हैं कि कौन कौन से आप सीड सो कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेरे पास हैं अभी मैं उसी की बात करूंगी। तो सबसे पहला है ये पिटूनिया ड्वार्फ स्टार मिक्स के। तो पिटूनिया सबसे विंटर्स का सबसे फेवरेट, काफ़ी वैरायटी में आता है, तो बहुत ही फेवरेट फ्लावर होता है काफ़ी लोगों का, ये काफ़ी वैरायटी में आता है ये। तो ये जैसे इस पिटूनिया का ये स्टार वैरायटी है और नॉर्मल वैरायटी भी है, और भी कई वैरायटी में ये आता है। तो कोई सी भी वैरायटी आप ग्रो कर सकते हैं पिटूनिया की, और ये अच्छी फ्लावरिंग देता है विंटर्स में बहुत ही अच्छी। तो आप कोई सी भी वैरायटी जो आपको पसंद हो इसकी लगा सकते हैं। एक ही वैरायटी है ये भी, एक अलग वैरायटी है जिसमें बॉर्डर्स में शेड रहता है, ये भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। तो अपने पसंद की वैरायटी के बीच खरीद के ये पिटूनिया आप लगा सकते हैं। और दूसरा जो है वो है एंटी राइनम टॉम थम डॉर्क मिक्स सीड। तो ये होते हैं डॉग फ्लावर जो होते हैं या स्नैप ड्रैगन, उनके सीड्स होते हैं एंटी राइनम के। तो इसके भी कई वैरायटीज़ में आते हैं और कलर्स में आते हैं, तो मिक्स सीड में आपको सभी तरह के कलर मिल जाते हैं। नेक्स्ट कलर है आइसलैंड पॉपी मिक्स। तो पॉपी भी कई वैरायटी में आती है, और ये है एक क्राइसेंथेमम की भी एक बीज वाला होता है, इसमें बड़े बड़े से फ्लावर आते हैं। क्राइसेंथेमम भी आप लगा सकते हैं, गुलदावरी और कॉर्न फ्लावर आप लगा सकते हैं, और कैलेंड्यूला भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि अब थोड़ा मौसम में ठंडक आ गई है, तो आप आराम से लगा सकते हैं। और कैलिफोर्निया पॉपी की, जैसे कि मैंने बताया था, कैलिफोर्निया पॉपी भी कई वैरायटी में आती है। एक इंडियन शेरले वैरायटी भी पॉपी की आती है, तो जौन सा भी आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। तो पॉपी की ऑरेंज कलर में, वाइट, येलो और एक रेड शेड में भी आते हैं पॉपी, और ये पॉपी के फ्लावर्स बहुत ही सुंदर भी लगते हैं। तो ये कि रेड कलर की वैरायटी है पॉपी की, तो इस तरह के आप लगा सकते हैं ये जो विंटर्स फ्लावर्स है। अब मैं बात करूँगी कौन सी साइट से आप ले सकते हैं, और भी कई सीड आप लगा सकते हैं। तो जैसे ये वाली वैरायटी मैंने ली थी ऑर्गेनिक बाजार डॉट नेट से, तो ये साइट नोट कर लीजिए, इस साइट से आप मंगा सकते हैं, और इनके सीड भी काफ़ी अच्छे निकलते हैं, मैंने ग्रो करे हुए हैं। नेक्स्ट है ये अफोर्डेबल स्टोर, तो ये आप गूगल में सर्च करेंगे तो इससे भी आप मंगा सकते हैं। इसमें कम सीड्स मंगा सकते हैं, जिनकी बालकनी गार्डन है, जिनको कम अमाउंट में सीड चाहिए तो वो अफोर्डेबल साइट से मंगा सकते हैं, और कम दाम में आपको मिल जाते हैं। द अफोर्डेबल स्टोर, ऑर्गेनिक स्टोर नाम से आप गूगल में सर्च करेंगे तो इनकी साइट आ जाएगी, और ऊपर भी मैंने ये देखो www.affordablesseeds.com नाम का स्टोर है, उससे आप मंगा सकते हैं। और नेक्स्ट साइट जो है वो है बायो कार्वे की साइट। तो ये कैलेंडुला के मैंने बायर कार्वे साइट से भी काफ़ी सीड्स मंगाती हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं मंगाए हैं क्योंकि ज़्यादातर मैं कभी बाहर चले जाती हूँ तो इनकी जर्मिनेट करने के बाद केयर भी करनी होती है, तो कभी कई बार केयर नहीं कर पाते हैं। तो ये कैलेंडुला के मैं ये साइड में ही डाल दूंगी, इस गमले में खाली हैं अभी, पॉट नहीं बनाऊंगी। और मिट्टी आप हल्की ही बनाएं जब सीड ग्रो करते हैं, कोकोपीट मिट्टी और खाद का इक्वल मिक्सचर लेके आप लगा लें, और जब नमी बनाए रखें मिट्टी में, और ज़्यादा पानी भी नहीं देना है कि गल जाए सीड, तो इस तरह से मैं डाल दूँगी। पिछले साल मैंने ये स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर के फूल लगाए थे विंटर्स में, और अभी तक चल रहे हैं, और साल भर ही इसमें थोड़े थोड़े फूल भी आए हैं मेरे, जबकि ये विंटर का फ्लावर है। तो ये हिबिस्कस के किनारे डाले थे मैंने सीड, तो इसमें बीच बीच में फ्लावरिंग होती रही पूरे साल भर, भले ही कम हुई या विंटर्स में ज़्यादा फ्लावर। इस तरह का होता है डॉग फ्लावर का फ्लावर। सीड लगाने के बाद आप पानी डालेंगे ही, नमी बना के रखनी है आपको, और ज़्यादा पानी नहीं देना है, और हल्की धूप में रखना है, ज़्यादा तेज़ धूप में भी नहीं रखना है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होंगे तो आपको फिर तेज़ धूप में रखने हैं अपने प्लांट्स। तो दोस्तों आप भी ये प्लांट्स लगाइए, और
और ये जो ये कबूतर होते हैं ये भी काफ़ी ख़राब कर देते हैं सीड्स को, तो इनसे ही बचा के रखिए। देखिए इतना नेट लगाने के बावजूद भी ये पिजन यहाँ पे अंडे दे दिए हैं। अब तो जब बच्चे उड़ जाएंगे तभी भगाऊंगे। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, होप करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और आपकी कोई क्वेरी होगी इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास विंटर सीड्स नहीं है तो अभी भी आप मंगा सकते हैं, अक्टूबर भर लगा सकते हैं और नवंबर के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। तो हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।